की बना रहा छोटी बात है क्या छोटी बना रहा हाँ कह की ओले की खा ले ले कपड़े ऐसी फेंक दिए मट्टी में वही नहीं है नहाने के चक्कर में ना ऐसे देखो ये है नदी का कुछ नज़ारा ये इनने बनाया अपना देसी स्विमिंग पूल जिस पे ये सब लोग नहा रहे हैं आराम से बहुत है यार ठंडा पानी इसमें मछली भी होती है क्या मछली हमें अरे पकड़ सा तुम्हें तुमूल बना रहा हो तुमूल बना रहा अच्छा अच्छा सही हो गया वो है ऊपर पुल। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग राहुल जोशी ब्लॉग उत्तराखंड। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को गुड आफ्टरनून क्योंकि दिन के बज चुके हैं 12, क्योंकि दो तीन दिन से लेट ही उठ रहा हूँ, हर एक ब्लॉग में बता रहा हूँ। और जो कुमारी देवी वाला मंदिर वाला जो हमने तैयारी की थी पिछला ब्लॉग जो मैंने कल डाला था कि मंदिर में जा रहा हूँ, तो मंदिर को बुधवार को जा रहा हूँ जो आज का ब्लॉग है। इसके बाद आपको सीधे उस मंदिर के ऊपर जाके ब्लॉग देखने को मिलेगा। आज मैं अपने गाँव के नीचे वाले गाँव में जा रहा हूँ जहाँ पे एक रहस्यमय मंदिर है, गाँव के अंदर रहस्यमय मंदिर है छोटा सा। वहाँ पे बताया जाता है कि पहले एक घर था, खूब कम से कम 22 मंजिला घर था। जब वहाँ पे उस घर में मतलब भूतों का वास था, तो मतलब बताते हैं यहाँ पर के लोग, मुझे तो नहीं पता इसलिए मुझे नहीं पता बट बताते हैं, तो उन्हीं लोगों से इंटरव्यू लूँगा और उन्हीं से पूछता हूँ कैसा क्या था। तो बताते हैं कि उसके बाद वहाँ पे कोई परिवार आया था रहने के बाद, जो पूरा उस भूत ने मार दिया। उसके बाद उसके भूत को शांत करने के लिए उस घर को तोड़ के वहाँ पे मंदिर बना दिया है। अब जब से मंदिर बनाया है तब से गाँव वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो दूसरा वाला गाँव है नीचे, वहीं मैं जा रहा हूँ। कल मुझे बता रहे थे लोग और नानी लोग भी बता रहे थे, तो वहीं पे जा रहा हूँ। वहाँ पे आसपास जितने भी घर हैं और लोग हैं उनसे पूछूंगा कि ये बात सच है या राइट है या झूठ है। ये भी एक रहस्यमय मंदिर की तरह है। और जो बुधवार को है वो कुमारी देवी गुफा के अंदर मैं जा रहा हूँ। सब तैयारी हो चुकी है हमारी, टॉर्च वगैरह, रस्सी वगैरह और जितना भी कैमरा वगैरह का सेटअप था सब तैयार कर लिया है। सिर्फ सोमवार को निकलना है क्योंकि और बाकी दिन नहीं जा सकते। मैया का वार मंगलवार, सोमवार और शनिवार, तीन दिन जा सकते हो आप उस मंदिर में। बाकी दिन वहाँ पे गेट तो खुला रहता है पर पुजारी वगैरह कोई नहीं मिलता, तो हमें इतना तो इजीली पता नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए ही ना, तो इसलिए पुजारी जी से पूछेंगे और जब गुफा में जाएंगे तो ऊपर से वो बताएंगे हमें इसके अंदर क्या ऐसा क्या होता है। उन्हें भी साथ में ले जाएंगे अगर वो जाना चाहते हैं, अगर वो नहीं जाना चाहते तो हम अकेले ही गुफा के अंदर जाएंगे। तो फाइनली अभी तो जा रहा हूँ गाँव के नीचे वाले गाँव में जहाँ वो वाला मंदिर है रहस्यमय। बता रहे हैं कि उसके इतने लंबे हाथ थे, बता रहे थे लोग कि वो बैठे बैठे एक जगह से बैठे बैठे 1 किलोमीटर तक पानी वगैरह अपने हाथ से इजली ला सकता था। और मेरे साथ में लक्की और प्रियांशु तो भी ग्वाली गए, और घर में आज मेहमान भी आए हुए हैं वहाँ से वो बाउम से क्या कहते हैं लक्की की ताई आई हुई हैं और उनका लड़का भी आया हुआ है। वो लोग अभी आए थे घर में, तो मैंने कहा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ क्योंकि अभी सो के उठाऊँ। उसके बाद अभी खाने पीने का टाइम ही हो जाता है, उसके बाद उन लोगों से भी मिलाऊँगा जो घर पर रिश्तेदार आए। और देखो वो गाँव रहा है, देखो वो लंगूर है, अभी बहुत बड़ा लंगूर गया भाग के, आपको दिखा होगा। वो गाँव है नीचे, दिख रहा होगा आपको, उतने नीचे मुझे जाना है। तो वो गांव हमारे गांव के नीचे वाला ही गांव है नानी के जस्ट, तो वहां पहुंच के मैं आप लोगों से मिलता हूं। और बारिश की वजह से देखो मैं पहुंचने वाला हूं मंदिर के पास उस वाले, बारिश की वजह से देखो सारे रास्ते टूट गए और कितनी ज़्यादा घासी घास हो रखी है। और मौसम देखो आज क्या ही मौसम हो रहा है बारिश वाला, उत्तराखंड से 4-5 दिन से ऐसे ही है। रात में बारिश हुई थी और क्या कहते हैं अभी बारिश फिर से रुक गई और फिर से गर्मी का भपका टाइप का निकल रहा है। बारिश नहीं हो रही ना, जो बारिश हुई थी उसका जो भाप बन रही है वो निकल रही है ऊपर को, उससे और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। और क्या कहते हैं अब बारिश देखते हैं, शाम तक आती नहीं, मौसम खुल ही नहीं रहा अभी 4-5 दिन से। कोई अपने खेतों में भी सही से काम नहीं कर पा रहे, जैसे ही काम हम करने के लिए निकल रहे हैं खेतों में वैसे ही क्या कहते हैं यहाँ पर बारिश की बूंदें गिरने लग रही हैं, भीग जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं घर तो बारिश बंद हो जा रही है। 2-3 दिन से तो ऐसा सीन चल रहा है यहाँ पर। वो देखो उधर से कोई आ रहा है, उस साइड खेत है, देखो भैंस की आवाज आ रही होगी, गधर आ रहा हूँ तली वो नीचे गधर छे आ रू दो लियो भोवट बे बेटी बहुत दे हो नाने ला रहा हो जो ने आ रहा नानी खाओ जो बना रहा कह दू आ बारिश में आराम से बैठ सकते हो ना, यहाँ पे बैठ जाओ, बारिश अगर आ रही हो ज्यादा से भीगोगे नहीं ना बिल्कुल भी।
ऊपर देख रोके ऊपर देख कितना अच्छा बारिश में आराम से पीओगे, कोई बैठता होगा बारिश में यहाँ पे बैठता है ना। मैं पहुंचने वाला हूँ, वो नीचे आपको आपकी वाला घर दिख रहा होगा, उस घर के इस साइड को जो निकला हुआ पहाड़ टाइप का है वहीं पे वो मंदिर है, वहीं पे मैं भी जा रहा हूँ। और ये रास्ता यहाँ की जो मार्केट है वहाँ को भी जाता है, वहाँ क्या बोलते हैं भैटा बोलते हैं ना लगी, हाँ वहाँ पे भैट बुलानी तो वहीं जा रहा है ठीक है। और ये गाँव की एक टंकी रही पानी वालों के लिए, नीचे वाले के लिए, और ऊपर कल से तो पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे। हम जो है पानी लेने वहाँ गधेरे में गए थे नौले में 2-3 दिन, कल पानी से हुआ था रात में फिर से खराब हो गया, क्यों बारिश की वजह से जो पानी आता है नदियों से पाइपलाइन है तो मट्टी लग जा रही है और दूर जाना पड़ता है सही करने, तो लोग बहुत कम जा रहे हैं आजकल, सब अपने काम में बिजी हैं और ऊपर से बारिश इतनी हो रही कि सही करके आ नहीं पाते, तब तक फिर खराब हो जा रहा है, तो क्या ही कर सकते ना। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल नीचे वाले गाँव में, और वहाँ पे मंदिर के पास कोई लोग भी हैं वहाँ पे फोटो वगैरह शूट कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा पूछवा दूंगा मैं, और मुझे तो इतना नॉलेज है नहीं आपका, मैंने जो सुना था वो मैंने आपको बताया। अभी मैं गांव के एंटर कर चुका हूँ, और ये पीछे आपको दिख रहा होगा ये गांव की दुकान है, और ये देखो कितना भाई कितना बड़ा हैवी पत्थर है गाँव के अंदर ही, इसमें क्या है ये ओखल ना, ये देखो कितना बड़ा ओखल टाइप का गड्ढा है, गाँव का ही पत्थर है ये, और बंदरों का आतंक देखो कैसे हो रहा है, वो देखो कैसे खेत पे बंदर वहाँ पे चल रहा है रेड कलर का, आपको छोटा सा दिख रहा होगा, और आगे देखो कितनी बड़ी बिल्ली बैठी हुई है, इसे पकड़ते हैं अगर पकड़ने में आती है, दिखा दूँ वो बैठी देखो रास्ते में। और यहाँ पे नीचे देखो फाइनली ये नीचे सामने मंदिर आ, मेरे मंदिर में पहुँच चुका हूँ यहाँ बैकग्राउंड में, और नीचे देख सकते हो वहाँ पे जो नदी है वहाँ पे पुल है, वहाँ पे बच्चे वगैरह नहा रहे हैं। पहले मंदिर दिखाता हूँ आपको, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, उसके बाद जाके नीचे वहाँ पे जाता हूँ बच्चों के साथ में, थोड़ा वहाँ पे मौज मस्ती करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि गाँव में आए हो तो मौज मस्ती और नदी में नहाने का जो मज़ा होता है ना रियल टाइम स्विमिंग पूल का, वो अलग ही होता है गाँव वाले स्विमिंग पूल का। और ये हमारे गाँव का लास्ट वाला घर है, वो पीला वाला नानी के गाँव का मतलब लास्ट वाला घर है वो, और ये रहा मंदिर। बस मंदिर में एंटर करने वाला हूँ, और बारिश की वजह से ना जो घास है यहाँ पे काफ़ी गीली हो रखी है इस टाइम पे, और देख सकते हो फाइनली। और ये रहा वो मंदिर जिसकी मैं कर रहा था आप लोगों से बात, देखो। तो यहीं पे वो बताया जाता है जो लंबे हाथ वाला जो रहस्यमय भूत था, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा घर था पहले लोग बता रहे थे, और वो घर देखो कितनी दूर है ना, तो यही वो मंदिर था जहाँ पे बता रहे थे कि लंबा वाला जो भूत वगैरह है तो यहीं पे रहता था, बट एक बार उसने जब लोगों को मानना चालू कर दिया तो वो ख़त्म हो गया था बाद में, उसके बाद फाइनली जो भी हुआ था तो उसके बाद वो ख़त्म हो गया था नानी लोग बता रहे थे, और ये मंदिर जो है उसके बाद ऐसे ही है फाइनली। चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है इस टाइम पे ना। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मूर्तियाँ वगैरह हैं, तो जब ये घर वगैरह टूट गया था उसे मार दिया गया था, उसके बाद जाके ये मंदिर बना हुआ है, यही रहस्यमय आज की घटना थी, गांव वाला जो रहस्यमय मंदिर था यही था नानी के। और अब नीचे जो बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा ब्लॉग वहाँ का आप लोगों को दिखाता हूँ, और ब्लॉग पे नया आए हो तो यार ब्लॉग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्यों पहाड़ी लाइफ स्टाइल आपको डेली देखने को मिलती है न्यू ब्लॉग में, और गुफा में बहुत जल्दी जाने वाला है। उसके अलावा अल्मोड़ा चितई मंदिर का अगला नेक्स्ट ब्लॉग सोच रखा है मैंने, गुफा के बाद वहाँ जाने का सोच रखा, वहाँ पे जाऊँगा और उस चितई मंदिर में शायद से आप लोग कमेंट करो इस पर अच्छा सपोर्ट करो, जैसे आपने कमाई देवी वाले मंदिर वाले गुफा में किया था, तो उत्तराखंड के सारे पाताल भूमेश्वर से लेके चितई अल्मोड़ा जो मंदिर है वहाँ भी जाने की सोच रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग वहाँ पे भी आएगा, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा बुधवार के बाद, गुरुवार शुक्रवार में वो देखने को मिलता है, उसके बाद गाँव में लग रही है बासी 22 दिन के एक महीने की बासी देखने को मिलेंगी आपको पूरी नाइट, जहाँ तक है लाइव भी कर सकता हूँ, लाइव नहीं किया तो वीडियो तो आ जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइव देखने के लिए सबको तो टाइम होता नहीं है, सब काम काज में बिजी रहते हैं, और इसीलिए वीडियो ही बनाऊंगा सबसे अच्छे है ना। तो अभी चलते हो नीचे वो पुल के रास्ते, वहाँ बच्चे नहा रहे, हम भी थोड़ा मौज मस्ती करेंगे वहाँ पे। तो फाइनली अभी जहाँ पे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, उसके बाद वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ, बस जाने वाला हूँ बिल्कुल नीचे आ गया। और ये फूल देखो यार जो वाला ना जो फूल होता है ये अपने आप से खिल जाता है काफ़ी सारे, और बिच्छू घास तो पूछो ही मत, उत्तराखंड में इतनी होती है ना, अगर आपके लग गई
तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ से। मुझे यार चश्मा चेंज करना है, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। जो चश्मा है ना, मेरे चश्मे का जो एक लेंस है इस पर पता नहीं किस तरीके से कुछ स्क्रैच टाइप के आ गए हैं, जिसकी वजह से सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहले तो सही था, अभी 4-5 दिन से ही ऐसा हो रखा है। इसे भी चेंज करवाना है, यहाँ पर तो चेंज हो नहीं रहा, तो मुझे अल्मोड़ा ही जाना पड़ेगा सर इससे, यहाँ से 50 किलोमीटर या अल्मोड़ा जाना पड़ेगा या हल्द्वानी जाना पड़ेगा, फिर 150-250 किलोमीटर। और देखो ये पुल पे आ गया हूँ मैं, देख ना पुल है, ठीक है। ये देखो नीचे छोटी सी नदी, देखो उधर वाटरफॉल भी निकल रहा है, और देखो वो नीचे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। फाइनली फंड जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ। कुछ सिनेमेटिक सीन्स वगैरह मिलते हैं देखने को, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर वो सीन्स नहीं मिलते नहीं मिलेंगे सॉरी यार, आजकल मैं बहुत ज़्यादा इससे बुलाता हूँ। ओके तो देखो ये सब लोग नीचे मौज मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, एकदम मज़ा आ रहा होगा। ठंडा पानी है, ठंडा रहो पानी, ठंडे नहरे पानी हरा ठंडे। अच्छा और नहीं मैं तली होनी, मैं नीचे जाता हूँ, तली होनी का जरूरत है नीचे जाना। कुमाऊनी लैंग्वेज यू चीन नची। देखो भाई नहाने के चक्कर में बच्चों ने कपड़े ऐसे ही फेंक दिए मिट्टी में, वही नहीं है नहाने के चक्कर में ना ऐसे ही होता है। वाह एकदम ठंडा पानी है ये देखो। तो देखो ये है नदी का कुछ नज़ारा, ये इन्हें बनाया अपना देसी स्विमिंग पूल जिसपे ये सब लोग नहा रहे हैं आराम से। बहुत है यार ठंडा पानी, इसमें मछली भी होती है क्या? मछली हमें, अरे पकड़ था तुम्हें, तुमूल बना रहा हो, तुमूल बना रहा। अच्छा सही हो गया। वो है ऊपर पुल और ये नदी नीचे को चली गई यहाँ से जस्ट, बट पता नहीं मुझे किस लिए गई है। और इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करना चाहूँगा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।